हेलो, वेलकम टू माय चैनल नेहा जीजीटी ब्लॉग में आपका स्वागत है। सो मैं शाम के काम में लग गई हूँ और ये मैं रात का खाना बना रही हूँ। और आप लोग भी सोचते होंगे कि क्या ये दिन रात खाना 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 कर दिखाती है, तो प्लीज़ आप लोग ऐसे मत सोचना, क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। मैं ज़्यादातर बाहर नहीं निकल पाती हूँ और मुझे ब्लॉगिंग करने का शौक़ है, इस वजह से मैं ऐसे करती हूँ। और अगर आप लोग को बोरिंग फील हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं, मैं इस तरह का नहीं कुछ अलग सा वीडियो लेकर आऊँगी। और देख सकते हैं, जैसे कि सुबह मैं एक कल वीडियो डाली हुई थी, उसमें मैं बर्थडे का दिन का दिखाई थी, अभी मैं शाम का बना रही हूँ। तो सेवई उधर बना चुकी हूँ, तो ये मैं सेवई बना के निकाल चुकी हूँ और इधर आलू बॉयल कर रही हूँ दम बनाने के लिए। और इसके बाद देखती हूँ मैं आगे, अब आटा भी गूंथना है, सो वही मैं कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, मेरा ये जो दिख रहा है रैक पर इतना डब्बा, ये सब में कवर लगने वाला है, इस वजह से ऐसा दिखता है, कवर जल लग जाएगा तो पूरा फ्रेश दिखने लगा। और ये बात में देखिए, मेरा जो सेवई में चढ़ाई हुई थी उसका दूध उफन के गिर गया है, पता नहीं कोई काम में लग गई थी, मैं ध्यान नहीं दे पाई, उसी का मैं सफाई कर रही हूँ। थोड़ा सा गिर गया था और गिरा पड़ा अच्छा लगता नहीं है, इसलिए सोची कि मैं उसका सफाई थोड़ा कर दूँ और उसके बाद मैं आगे का काम करूँ। और मेरी बेटी रूम में खेल रही होगी, उसकी बुआ आई हुई है, बुआ की बेटी उसी के साथ खेल रही होगी। सो मैं अपना खाना इधर कंप्लीट कर लेती हूँ, इसके बाद मैं देखती हूँ आगे क्या क्या करना है। ये मैं परवल को फ्राई कर चुकी हूँ और आलू मैं फ्रीज में गई थी लहसुन को लेने, लहसुन मैं पेस्ट बना के रखती हूँ, सो वही मैं लेने गई। सो ये मैं वो लहसुन का पेस्ट मैं 2-3 दिन के लिए एक बार बना के रखती हूँ, क्योंकि 2-3 कली या 10 कली एक बार जार में पिसाता नहीं है और मैं सिलवट्टे पे नहीं पीस पाती हूँ, क्योंकि अब आदत छूट चुका है, सिलवट्टे पे मैं नहीं पीसती हूँ। तो मैं 2 दिन का स्टोर करके रख देती हूँ, 2-3 दिन चलता है, फिर मैं ये कर देती हूँ और उसको एयर टाइट डब्बा में रखती हूँ ताकि वो ख़राब भी नहीं होता है, फ्रेश रहता है। तो ये मैं डाल के और उसको, और मैं पहले क्या करती हूँ कि प्याज पहले गला के 2-3-4 सीटी दिलवा देती हूँ, उसके बाद मैं मसाला भूनती हूँ, उससे टेस्ट भी अच्छा आता है और प्याज भी बहुत अच्छे से गल जाता है। और थोड़ा सा ग्रेवी वाला बनाना है क्योंकि पूरी बनाना है, बहुत कोई को सेवई के साथ पूरी अच्छा लगता है तो किसी को सब्जी के साथ अच्छा लगता है, इस वजह से थोड़ा ग्रेवी भी लगाना है उसमें। और इधर मैं सेवई को एक जगह अलग कर रही हूँ शुगर फ्री में, और एक जगह मैं चीनी डालूँगी, उसके लिए मैं अलग की हूँ। और मेरे चीनी वाला डब्बा में बहुत ज़्यादा चीटी लगे, इसलिए उसको लक्ष्मण रेखा पार के रखना पड़ा है। देख सकते हैं मैं यहाँ पे लक्ष्मण रेखा पार के उसको रख रही हूँ ताकि चीटी वहाँ से निकल जाए। और यहाँ आलू मेरा ये हो चुका है, देख सकते हैं मैं मसाला भून रही हूँ। और मसाला भून के मैं सब्जी, सेवई मेरा बन चुका है, अब मैं सब्जी बना रही हूँ, सब्जी बना के फिर शुगर का दवा दे दूँगी और सब फटाफट का खाना भी निकाल दूँगी। और गर्मी तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, पता नहीं इधर पानी, मेरे तरफ पानी ही नहीं पड़ रहा है। और ये देखिए मैं खाना बनाई थी, सो मैं ये दिखा रही हूँ। और उसके बाद देखिए ये मैं पूरी तल रही थी, मेरा लास्ट हो चुका था। और आज मैं पूरी बनाई हूँ, कचौड़ी नहीं, कचौड़ी है फूला फूला, बहुत देर तक रहता है। और देख सकते हैं मेरे किचन का हाल बहुत ज़्यादा बिखरा पड़ा हुआ था, 6-7 जने का खाना भी बना है और बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ, उस सबको मैं अभी सफाई करूँगी और सफाई करके चैन लूँगी। किचन बिखरा हुआ रहता है तो मन नहीं लगता है, तो लगता है कैसे साफ कर दूँ।
मेरी बेटी कुछ मांगने आई है। और एक बात और, मैं पिछले ब्लॉग में बताई थी कि ये लड़की नहीं, ये लड़का, तो मुझे बाद में हंसी आई। मैं तो हर ब्लॉग में बोलती हूँ मेरी बेटी, तो सब लोग तो समझ ही गए होंगे। होता ये है कि मैं ब्लॉग डेली में कर पाती नहीं हूँ, इस वजह से मिस्टेक हो जाता है, इसलिए सॉरी। और ये देखिए, मैं बहुत ज़्यादा चिढ़ रही हूँ इससे, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा करना था और गर्मी भी उतना ही, और बेड पूरा बच्चा सब था तो पूरा गंदा किया हुआ था, उसको साफ़ करने में लगी। बोली हूँ कि जल्दी से हटो, मैं बेड क्लीन करके जाऊँ, किचन भी अभी साफ़ करना है, तो सुन नहीं रही है। और वो उसका पेंसिल बुक सब बोल रही हूँ कि जल्दी जल्दी बेटा हटाओ कि मैं क्लीन करके जाऊँ। सॉरी, मैं बेड को साफ़ कर दी। बच्चा वाले घर में दो बार तो बेड क्लीन होना ही होना है, क्योंकि बहुत बच्चा बहुत गंदा करता है। और मैं मच्छरदानी नहीं लगाती हूँ, फिर एसी चलाती हूँ। और ये मैं दुपट्टा क्यों डाली हूँ, इसका भी रीज़न मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि पेन का जो इंक होता है वो मैं पता नहीं कैसे मिस्टेक हुआ मेरे ये पेन। अभी मैं किचन के सफाई में लग गई हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा किचन फैल गया था और उस तरह से छोड़ना अच्छा नहीं लगता है। ऐसे भी है, किचन को साफ करके ही करना चाहिए। और देख सकते हैं मेरे हॉल का लाइट, क्योंकि सभी लोग सो चुके हैं और लाइट ऑफ हो चुका है बड़ा वाला। तो मैं सोची कि मैं सोने से पहले, थोड़ा बहुत ज़्यादा बर्तन हो चुका था और मॉर्निंग में मेड थोड़ा लेट से आती है, मॉर्निंग में भी मुझे ही खाना नाश्ता जल्दी जल्दी बनाना रहता है, इस वजह से मैं तो आधा बर्तन धो के ही सोऊंगी, आधा क्या लगभग धोकर ही सोऊंगी। और इधर किचन में साफ़ करके, और मेरी बेटी भी इधर बुला रही है, लेकिन मैं बोली कि थोड़ा सा बेटा आप खेलो, मैं जल्दी से निपटा कर आ जाती हूँ। तो ये मैं जल्दी जल्दी से बर्तन धो के और जा रही हूँ। तो ये मैं बर्तन जल्दी जल्दी से फिनिश कर लेती हूँ और उसके बाद मैं स्लेब को थोड़ा साफ़ कर लूँगी। और उधर देख सकते हैं हरा वाला ये ठंडा कोल्ड ड्रिंक्स के बोतल में, ये छेना का पानी मैं परमानेंट रखती हूँ, क्योंकि हर 2 से 4 दिन में मैं पनीर निकालती हूँ, या पनीर पराठा बनाना हुआ या पनीर का सब्ज़ी, मुझे पनीर का कोई भी आइटम बहुत अच्छा लगता है। अभी तो सावन चल रहा है तो नॉनवेज तो खाना नहीं है, तो पनीर का आइटम ज़्यादा बनता है। सो ये देख सकते हैं, और मैं जल्दी से इसको फिनिश करके, अब अभी का लगभग 10:30 या 11 बजने गया है, मैं फटाफट से इसको क्लीन, और मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं गंदा बहुत ज़्यादा किचन दिखाई हुई थी, इसलिए सोची कि थोड़ा आप लोग सोचेंगे कि कितना गंदा रहती है, इस वजह से मैं दिखाती हूँ कि थोड़ा मैं साफ़ कर दी हूँ। और इधर छलनी था उसको मैं, सो इधर मैं किचन का ये सब मैं फिनिश कर चुकी। एक दिन मुझे पूरा टाइल्स और ये 2-4 बर्तन मैं छोड़ दी, क्योंकि बेटी बहुत ज़्यादा जिद करने लगी है कि मम्मा जल्दी आओ, उसे रूम में अकेले डर लग रहा था, उसके पापा दूसरे रूम में थे इस वजह से। तो मैं जा रही हूँ अब रूम में, और रूम भी मैं लगभग क्लीन कर चुकी हूँ। और ये मैं सिलेंडर ऑफ़ कर देती हूँ, मैं सिलेंडर बिना ऑफ़ किए नहीं जाती हूँ, रात को ऐसे भी सिलेंडर ऑफ़ करके ही ये करना चाहिए। और ये मैं रूम में आ चुकी हूँ, देखिए कितनी शैतान है, ये क्या कर रही है। और ये आपको जो दिख रहा होगा रेड कलर का, मैं अपना दुपट्टा बिछाई हुई हूँ, वो हुआ क्या कि दिन में पता नहीं कैसे बेटी की या कैसे हुआ, पेन का इंक पूरा चादर पर गिर चुका था, मैं उसको बहुत साफ़ की पर नहीं हो पाया, इस वजह से मैं दुपट्टा उस पर डाली हुई, कपड़ा में लग जाएगा। और कल इसका मैं बेडशीट चेंज कर दूंगी। अभी ये है कि मशीन है नहीं, पर बेडशीट धोने में बहुत ज़्यादा हाथ दर्द कर जाता है, इस वजह से थोड़ा मैं 4-5 दिन के बाद ही चेंज करती हूँ। और आज इतनी गर्मी थी कि मैं अपना दिन भर बाल पे से नहा ली हूँ और दिन भर जूड़ा बनाए रह गई। सो अभी बाल लग रहा था पूरा ये अजीब सा, तो उसको मैं जल्दी से सोची कि थोड़ा सा उसको ये करके, उसको थोड़ा सा कंघी लग करके और उसको थोड़ा चोटी बना ले, ताकि थोड़ा रिलैक्स महसूस हो। बहुत ज़्यादा आज गर्मी था, पता नहीं आप लोग के साइड कैसा मौसम है, पर यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है। सो अभी थोड़ा सा रात में एक यही रिलीफ रहता है कि एसी चलाती हूँ तो चैन से सोती हूँ, वरना मैं रात भर जगी रह जाऊँगी। सो ये मैं अपने बाल को ठीक कर लेती हूँ, क्योंकि दिन भर मैं जूड़ा बना के ही रखी हुई थी,
और उसके बाद में अब सोने का टाइम हो चुका है, काफ़ी लेट हो चुका है, 11:30 हो रहा है। सो अब मैं सोऊंगी, और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए सो मेरा भी चैनल ग्रो कर पाए, प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करें। और मेरा एक और चैनल है किड लर्न मस्ती, जो मैं बच्चा को पढ़ाई के रिलेटेड लाती हूँ, वो भी मेरा चल नहीं सका, इस वजह से मैं उसको छोड़ी हुई हूँ थोड़े दिन के लिए, पर उस पर भी मैं अब काम करूँगी। प्लीज़ अगर चाहे तो उसको भी आप सब्सक्राइब कर लें। और मेरा नेहा श्रीवास्तव 38 करके इंस्टाग्राम आईडी है, अगर चाहे तो मुझे उस पर भी फॉलो कर लें। सो तब तक के लिए अब मैं थोड़ा अब सोती हूँ, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय एंड टेक केयर, अपना ख्याल रखें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।